Hello everyone, adab, namaskar, sat Sri Akal, and welcome back to Desi Goonj, your own wonderful, your favorite channel. Main hoon aapki co-host Kamal Sachdeva aur mere saath hain Meeta Khanna, hamesha ki tarah. Sat Sri Akal, namaskar, salam alaikum aur bahut bade wali hello ke saath. Haazir hain hum aapke samne, aapko humne vaada kiya tha कि हम ये जो विसाखी है और इतना बड़ा दिन है आज तो इसको आपके साथ जुड़े बिना जाने नहीं देंगे और देखो हम कैसे जुड़ रहे हैं कमल जी कितने बढ़िया आर्टिस्ट के साथ जुड़ रहे हैं यस एब्सोल्युटली आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं हमारे साथ कनाडा से पर बिफोर हम आर्टिस्ट को आपके साथ रूबरू कराएं हम आप सबको पहले लेट्स विश यू ऑल हैप्पी विसाखी विसाखी दी बहुत 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 मुबारक हो सारियां नूं Khalsa Sajna Divas Diye Mubarakan and also, you know, April 13, 14 and April itself. Itne sare tyohar hote hain India mein. It is beautiful. It is like depicts unity in diversity. Ki itne different cultures hone ke bawajood. Some days are commonly observed for common theme. And that is the beauty of India, you know, diversity and the unity in diversity. Absolutely. I just love it. Absolutely. Right? और ये जो अगर हम वैसे स्पिरिचुअली उस तरह भी बात करें तो ये वैसाख का मंथ होता है और बुद्धिस्ट टीचिंग्स के वैसे भी अकॉर्डिंगली जो एनर्जीज है बहुत ज्यादा एनर्जीज का फॉल होता है और मुझे लगता है शायद इसीलिए बिकॉज एवरीथिंग इज सो इंट्रिकेटली इंटरकनेक्टेड एंड एवरीथिंग इज सो सिमिलर एंड सेम राइट तो जदों गुरु साहब ने खालसा पंथ दी सृजना या खालसा सानू टर्म नाल वाकिफ कराया उन्होंने जदों एक प्योरिटी दी एक इंसान दे प्योरिटी होन दे नाल प्योर लाइफ दे नाल सानू रूबरू करवाया कि प्योर फॉर्म ऑफ लिविंग की होती है ते उस दे विच उन्होंने बहुत कुछ सानू सिखाया और एक नवी राह देने की कोशिश की कि असी अपने जिंदगी नू जीवन नू अच्छे सुचज्जे तरीके नाल प्योर फॉर्म नाल भी जी के दिखा सकते हैं उन्होंने आप अपने एग्जांपल साडे सामने राइट एग्जैक्टली सब तो बढ़िया ते आप अपने आप नु उन्होंने ते मैं जरूर मेरा दिल है एक दो शब्द दिया लाइना जे तुसी कहो मतलब हां जी हां जी जरूर खालसा दी गल कर रहे हैं ते खालसा मींस प्योर खालसा ओ कहंदे ना सिक्खी दा बूटा लाया कलगियां वाले ने खालसा पंथ सजाया कलगियां वाले ने हां जी शब्द दी दो लाइनें जरूर हां बस ज्यादा ते नहीं खालसे दी महिमा ते बहुत वड्डी है जो गुरु साहब ने बखान कीती है जी खालसा मेरो रूप है खास खालसे मैं हूं करो निवास खालसा मेरो रूप है खास खालसे मैं हूँ करो निवास खालसा मेरो मुख है अंगा खालसे के हों सद सद संगा खालसा मेरो मुख है अंगा खालसे के हो सद सद संगा खालसा गुरु साहब गेव अस द टर्म एंड ही टॉट अस हाउ अ गुरु कुड बी अ चेला अ स्टूडेंट डिसाइपल हिमसेल्फ सो अमृत छकाया उन्होंने और फिर उन्होंने क्या पांच प्यारे नु के तुसी मैनु अमृत छकाओ के तुसी हुन मेरे गुरु हो तुसी मैनु अमृत छकाओ तुहाडा रूप इतना डिवाइन बन गया है बिल्कुल प्योर खास रूप जिदे विच की हर वेले तुहाडे अंदर मैं रब नु देखता हां तुसी रब दा रूप हो मेरे लिए सो थैंक यू मीता फॉर शेयरिंग एंड आल्सो विसाखी इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल किसाना वास्ते ते बहुत वड्डा दिन है क्योंकि फसल कट दी हुन फसलां दी राखी करनी नहीं ओ कहंदे आया दिन विसाखी दा आया दिन विसाखी दा मुक गया समा हुन कणका दी राखी दा हुन चाई चाई मेले विच जावांगे
खेतानू अज चढ़ी जवानी कणकां लाई बहार के डुग डुग पई वजदी कणक होई मुटियार के डुग डुग आहा के डुग डुग ओहो के डुग डुग पई वजदी। क्या बात है, आई बसंती आई पंगड़े पालिए आजा हानिया गीत खुशी दे गालिए। Harvesting means crop, means prosperity, means happiness. ऐते है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। And also सभी मलयाली लोगों को happy wish you New Year. Yeah. और Tamil people happy Puthandu. It's a new year again. For Bengali happy New Year. It's Poila, and for us Assamese it's Bohag Bihu. Happy New Year to everybody. बहुत से त्योहार हैं। गुड़ी पड़वा अभी जाके गए मराठी जी जी। तो चलिए अगेन नराते भी चल रहे हैं, नराते चल रहे हैं बिल्कुल। रामनवमी आ रही है, वाओ, महावीर जयंती, सो मेनी यस। सो ओके, त्योहार मनाते रहिए, खुशियां मनाते रहिए, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते रहिए। एंड नाउ वी आर गोइंग टू इनवाइट अ वंडरफुल आर्टिस्ट फ्रॉम कनाडा, प्रदीप अरोड़ा जी। Pradeep ji, welcome to Desi Goonj. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत खुशी हुई आप देसी गूंज के साथ जुड़े हैं और आज हमारे साथ जुड़े हैं, सब दर्शकों के साथ जुड़े हैं। सो प्रदीप जी इज इंजीनियर बाय प्रोफेशन, लेकिन पैशन तो म्यूजिक है, एज वी ऑल नो, एज वी ऑल सी दैट। तो थोड़ा सा अपना क्विकली म्यूजिकल जर्नी के बारे में हमें बताएंगे प्लीज। हाँ जी, जरूर। सबसे पहले बहुत अच्छा लगा, शब्द सुना और शुरुआत बहुत अच्छी हो गई है प्रोग्राम की, और कुछ टाइम भी बहुत अच्छा चल रहा है। वैसाखी है, नवरात्रि हैं और हैप्पी न्यू ईयर सब तरफ चल रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है। आई फील वेरी वेरी लकी टू बी हियर एट दिस ऑल दीज ओकेजंस। लवली। तो पहले तो मैं अमीषा गांधी जी का थैंक यू करना चाहता हूँ, जिन्होंने आपसे मेरा संपर्क करवाया कुछ हफ्ते पहले, आपने उनको स्पॉटलाइट किया था। जी 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 बिल्कुल। तो या म्यूजिक जर्नी जो है वो मेरी तो काफी यंग एज से शुरू हुई थी, जब छोटा सा 3-4 साल से ही मुझे मेरे मम्मी बोलते थे कि मैं गाता था और वो सुनते थे और उनको एंटरटेन करता था छोटे होते से ही। पर फिर मैं यहाँ पर जब कनाडा में आया 75 में, तो थोड़ा सा म्यूजिक की तरफ कम हो गया, क्योंकि नई लैंग्वेज सीखनी थी, नए कल्चर में यहाँ पर कनाडा के अपने आप को एडजस्ट करना था। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको हमने बैक सीट पे रख दिया। पर फिर अबाउट यू नो काफ़ी साल हो गए हैं अब तो, 12-13 साल उससे भी पहले, जब YouTube का जन्म हुआ कह लो या पॉपुलैरिटी हो गई, तो कुछ फ्रेंड्स थे उन्होंने अपने चैनल वगैरह खोले और कैरियोकी की काफ़ी फेमस होनी शुरू हो गई। तो फिर मुझे काफ़ी इनकरेजमेंट मिली अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से, सब से, कि थोड़ा वापस चलते हैं म्यूज़िक की तरफ। तो उसके बाद फिर मैंने भी अपना एक चैनल खोल लिया प्रदीप अरोरा के नाम पे, अगर आप YouTube पे जाएंगे तो आप मुझे बिल्कुल, so many videos and beautiful videos, क्या गाते हैं आप? You can thank you very much. You can find me easily there. Yes. So yeah, so ये म्यूजिक की जर्नी रही है। स्कूल में मैं इंडिया में जब था तो हाई स्कूल में 6th के बाद म्यूजिक ग्रुप था स्कूल का, उसमें मैं मेंबर था। तो ये उस वहाँ मैंने काफ़ी कुछ सीखा, वहाँ पे हमारे गुरुजी भी थे जो सबको, जो कि म्यूजिक के इंचार्ज थे वहाँ पर स्कूल में। तो स्कूलों में वहाँ पे आपको मालूम है कंपटीशन वगैरह होते हैं। तो यहीं से बस अपनी जर्नी शुरू हुई। अब उसके बाद अब पैशन है, आई लव टू सिंग, आई लव टू पोस्ट सॉन्ग्स ऑन माई चैनल, और जैसे कोई मौका मिलता है, जैसे आज आपके साथ बहुत अच्छा मौका मिल रहा है शेयर करने का, तो आई एम वेरी वेरी प्लीज्ड। Beautiful. क्या बात है, we are happy कि आपने जर्नी कंटिन्यू की है Canada आके। Of course, time तो लगता है settle होने में and so many other things, we understand that. लेकिन फिर वापस अपने passion के पे आए आप, which is great. Thank you. That's right. तो आज की music की महफिल कहाँ से शुरू करें, किस तरह के गीत से?
आज मैंने अपने मदर का नाम पहले भी लिया तो आप वो एक भजन बोला करते थे इंडिया में, काफी मैं उनसे उनके मुख से सुनता था जी। तो जब मैं यहाँ पर आया कनाडा में तो मैं अभी इंटरनेट इतना चला नहीं था तो ढूंढना काफी मुश्किल था, तो मतलब कोशिश बहुत की पर वो भजन मुझे मिला नहीं। फिर बाद में मैंने भी उसको नहीं छोड़ा। कुछ साल पहले जब मैं गूगल पे सर्च कर रहा था तो किसी तरह से मैंने कुछ उसके लिरिक्स डाले तो वो मुझे मिल गया। अरे वाह, तो क्या बात है। भजन आपको थोड़ा सा मैं एक दो स्टैंजा सुनाता हूँ, वो मेरे चैनल पर भी है, जब आप जाएंगे तो आप वो इंट्रो मेरे चैनल की वहीं से होती है जी। तो जी, सुनाता हूँ जी। श्योर। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। तुम ही हो मूर्ति में भी, तुम ही हो व्याप्त फूलों में। तुम ही हो मूर्ति में भी, तुम ही हो व्याप्त फूलों में। भला भगवान पर भगवान को कैसे चढ़ाऊं मैं। जब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। लगाना भोग कुछ तुमको ये एक अपमान करना है। लगाना भोग कुछ तुमको ये एक अपमान करना है। खिलाता है जो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही नहीं दूर तक पहुंचने वाला है। और इसके लिरिक्स भी बहुत खूबसूरत है। हाँ, लिरिक्स इसके बहुत खूबसूरत है, इसीलिए मुझे काफी टाइम बेचैनी रही कि मुझे मिल जाए किसी तरह से। जी, लास्ट माय मॉम इन 2000। ओके, उसके बाद फिर मैंने इसको बहुत कोशिश की पर मिल गया। आई वाज लकी टू फाइंड इट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कोशिश नहीं छोड़ी ना सर। हां जी, हां, क्या बात है। तो काफी लोग जुड़ चुके हैं। गीता जी, मैं सबका थैंक यू करना चाहती हूँ सबसे पहले तो, कि आप सब लोग हमारे साथ जुड़े हैं। महिंदर श्योन जी, थैंक यू सो मच। रमेश पांडे जी, दविंदर सानी जी ऑस्ट्रेलिया से, उपेंद्र कौर जी, हरेश ददलानी जी, वो हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं, सपोर्ट करते हैं। सतिंदर सचदेवा जी, हरेश ददलानी जी कह रहे हैं वहाँ, प्रदीप भाई और रमेश पांडे जी तो बहुत खुश हो रहे हैं कि आपको सुनने का मौका मिल रहा है। दविंदर सानी जी कहते हैं त्योहारों की आई बहार, अब लगेगा गीतों का अंबार। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात, सही बात। और ब्यूटीफुल प्रेयर मेलोडियस गौरवी सैनी कह रही है।
तो त्योहारों के नाम पे याद आया कि भाई मैं हम आमतौर पर प्रदीप जी को बता दें इतनी लंबी हम नहीं लेते हैं टाइम जब शुरुआत करते हैं स्पॉटलाइट की, पर आज फेस्टिवल से इतने हम क्या कर सकते हैं। आई नो कुछ तो बोलना था जी, क्या करें, लोगों को विश भी करना है, इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं तो क्यों नहीं है जी। तो आप कौन से सिंगर्स को ज्यादा गाते हो? मैं एक्चुअली कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं सब सिंगर्स को गाऊं, तो अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आई कवर्ड प्रीटी मच अ बिग बंच ऑफ सिंगर्स। मुझे ये होता है कि अभी हर सिंगर जो है कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, हर सॉन्ग हर सॉन्ग जी, तो मैंने कोशिश किया है कि मैं एक सिंगर के साथ लिमिट ना करूं, तो कोशिश करता हूं सबके सॉन्ग्स गाना। नाइस नाइस, वेरी गुड। वो सभी मेरे फेवरेट हैं, कोई एक फेवरेट नहीं है, सभी मेरे फेवरेट हैं। हां नहीं, फेवरेट तो नहीं, चलो ठीक है, पर फिर ये होता है कि किसी को आप ज्यादा गाते हो क्योंकि उनके जो भी तरीका या जैसे भी आपको पसंद आता है, पर अच्छी बात है आप सभी को गाते हो तो बहुत अच्छी बात है, सो मच वर्सेटिलिटी, स्पेशली जब आप परफॉर्म कर रहे होते हो, आप काफी परफॉर्मेंसेस देते हैं, लोग बुलाते हैं आपको इवेंट्स पर, आई सीन दैट, सो इट्स रियली गुड। या वेलकम आनंद कुलकर्णी जी, ही सेज वेरी वेल संग, एंड रमन दयाल सिंह खन्ना, थैंक यू सो मच, हैप्पी वैसाखी टू यू, हैप्पी वैसाखी देसी गूंज, हैप्पी वैसाखी टू यू जी। तो अभी नेक्स्ट क्या गीत लाने वाले? चलो ठीक है, पहले मैं किशोर दा का है सॉन्ग दीवाना लेके आया है, वहां से बहुत करते हैं। क्या बात है, जरूर। हां जी, दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना, देखो कहीं यारो ठुकरा न देना मेरा नजराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना, इतना सुहाना झूम रहा प्यार मेरा, पूरी हो दिल की सारी मुरादें, खुश रहे यार मेरा, हो साथी मुबारक जीवन में आना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना, अपने भी हैं कुछ
ख्वाब अधूरे कौन अब गिने कितने हैं। सच तो ये है मेरे दोस्त के सपने भी है मेरे अपने। ओ उसकी खुशी अब मेरी खुशी है ऐ दिल दीवाना। दीवाना लेके आया है दिल का तराना। दीवाना लेके आया है दिल का तराना। देखो कहीं यारो टुकरा न देना मेरा नजराना। दीवाना लेके आया है दिल का तराना। दीवाना लेके आया है दिल का तराना। थैंक यू। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, क्या बात है। यही तो है आज का दिन है, कितना सुहाना। सही है। अच्छा गाना सुना चुना आपने, क्योंकि दिन है ही इतना सुहाना, इतनी सारे खुशियां चल रही हैं आजकल, यू नो, सो व्हाई नॉट। और फिर आप गा रहे हैं प्रदीप जी, थैंक यू, सोने पे सुहागा। थैंक यू, बहुत बढ़िया कमेंट्स आ रहे हैं सब जगह से। आनंद जी कहते हैं सो मच टू लर्न फ्रॉम यू सर, थैंक यू फॉर द ब्लिसफुल सिंगिंग। ओह थैंक यू एवरीबॉडी। क्या बात है। विभा वालिया जी कहते हैं सो नाइस। एंड वो मेरी मिसेस के सिस्टर इन लॉ है। ओके, अरे वाह क्या बात है। रेनु अरोड़ा जी कहती है अमेजिंग सिंगिंग, ऑफ कोर्स। और राजविंदर जी वेरी नाइस, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग। बहुत अच्छा लग रहा है आज, थोड़े नए लोग भी जुड़े हैं प्रदीप जी, आपके फ्रेंड्स भी हैं हमारे, और न्यू फ्रेंड्स भी हैं जो आज जुड़े हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग एंड सपोर्टिंग देसी गूंज एंड सपोर्टिंग द आर्टिस्ट्स, व्हिच इज रियली ह्यूज। क्योंकि हम ज्यादातर लोकल आर्टिस्ट को लेकर आते हैं ना, जो लोकली दे आर फेमस। और अभी जैसे हम यूएसए में हैं, मैं यूएसए में हूँ, मीता कनाडा में है, प्रदीप जी कनाडा में है, और इंडिया से इतने लोग जुड़े हैं। सो वी वांट टू स्प्रेड द वेल्थ व्हिच पीपल हैव। Yeah, so, we are very blessed to have people like you doing this for us, you know, singers like us. We love it. Itni talent hai hamare aas pas, hum to like hairan hote hain. I know, we are all together in it. Yes. And aisa to ye bahut achhi baat hoti hai, kyunki kai baar na mujhse kuch poochta hai koi, kehte ye bhi gaate hain, main kehti hamare sath aise hi hain sare. हमारे साथ कलाकार ही होते हैं। तो ये बड़ी नेचुरल सी बात हो जाती है, और बहुत अच्छा आपने गाया भी है और गाते तो हैं ही आप, और कमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं। या ऑफ कोर्स रमन दयाल ग्रेट सिंगिंग, यस ट्रू दैट। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी आप शेयर करते जाइए लिंक, और अगर आपने देसी गूंज सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए लोग हैं, तो प्लीज डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकॉन, ताकि आपको पता लगता रहे इतने अच्छे अच्छे कलाकार आर्टिस्ट हमारे साथ आते हैं। यस, देसी गूंज इज द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेटफॉर्म, आई हैव बीन विद देम फॉर द लास्ट 3 years नाउ, फॉलोइंग देम परफॉर्मिंग फॉर्चुनेटली थैंक्स टू देसी गूंज। थैंक यू आनंद भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, सच अ ह्यूज सपोर्ट आनंद, इज इट्स ट्रेमेंडस, यू नो, काफी आइडियाज भी देते हैं। सो Anand is a rock singer himself. I know. We'll be bringing the rock song. Very big singer. Ji, 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 ji. So, Thank you so much. Haan ji, sir. So, abhi gaanon ki jo ladi chal rahi hai, usme ab kya aane wala hai? Chalo, ab main actually next song, ye mera prem patra padhkar, tum naraaz na hona. People have heard it. Hopefully you'll enjoy it. Har antakshri mein year se yahi gaana gaya. Sahi baat hai. Theek hai ji, bahut khoob. Okay. Nice selection Pradeep ji. Yeah, thank you.
हसीना लिखूं या दिलरुबा लिखूं, हैरान हूं कि आपको इस खत में क्या लिखूं। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है, तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है, तुझे सूरज मैं कहता था मगर उसमें भी आग है, तुझे इतना ही कहता हूँ कि मुझको तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं समझूंगा, तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं समझूंगा। तू दिल के पास है इतनी, तुझे अपना मैं समझूंगा। अगर मर जाऊं रूह भटकेगी तेरे इंतजार में, इंतजार में, इंतजार में। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। वाह 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 वाह, बहुत 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 मजे आ गए, बहुत मजे आ गए। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई जिससे आप लोग प्रेम करते हैं उनको जरूर बताएं, कल को ऐसा ना हो कि आप ये कहते रहे कि मैं उसके लिए लिखा गया वो प्रेम पत्र हूँ जिसे दुनिया के सामने आने का अधिकार ही नहीं मिला। तो बताते रहिए जिससे आप प्यार करते हैं, क्योंकि नहीं बताएंगे तो पता कैसे चलेगा। बिल्कुल सही बात है, इजहार कर देना चाहिए जी। लोग कहते हैं ना वो जब किसी कोई चले जाते हैं शरीर को छोड़ के ना, फिर हम बड़े उनके
بارے میں قصیدے پڑھتے ہیں نا, تو وہ کہتے بھی ہمیں پہلے ہی بتا دیتے ہیں. بالکل تاریخ تو پہلے کر دیجیے, باقی جو کرتے ہو. امیزنگ سنگنگ. یس یس جی. آپ کے لیے فرمائش بھی آئی ہے کہ ہریش ددلانی جی کہہ رہے ہیں اف پاسبل سنگ میلی چادر اوڑھ کے. کیسے میلی چادر اوڑھ, ہری اوم شرن جی کا وہ بھجن میرے خیال وہ کہہ رہے ہیں نا. ہاں جی ہاں جی. چلو میں اس کے لیرکس مجھے ڈھونڈنے پڑیں گے تو. ہاں اگر پاسبل دو لائنیں آپ انت لگ کے گا دینا, بیچ میں تھوڑا جب بریک ملے گی تو میں ڈھونڈ لوں گا لیرکس, تو پھر اس کے بعد ڈیفینیٹلی. ہاں جی نہیں آپ تھوڑا بہت کچھ کور کریں گے تو میں کوشش کر لوں گا نا. ٹھیک ہے جی, ضرور ضرور کوشش کریں. آپ ایک گانا سنیے. مجھے یاد ہے میلی چادر اوڑھ کے کیسے دوار تے ہارے آؤ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو. میں بھی سوچ رہی اس کے لائک ٹیون کیسی ہے, پر ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہو سکتا تو کوئی بات نہیں. نہیں نہیں ڈیفینیٹلی ڈیفینیٹلی. ایسا نہیں ہے کہ ہم پردیپ جی کو پھر کبھی نہیں لائیں گے دیسی گونج پہ, پھر بھی آئیں گے. پیار مانگا ہے تم ہی سے اگر پوسیبل ہے تو. میں ویسے کبھی فرمائش نہیں کرتا, بیکاز آرٹسٹ لوگ جو دوسرے آرٹسٹ کو اسپاٹ پہ نہیں ڈالتے ہیں, تو سانگز کر سکتے ہیں, پیار مانگا ہے تم اسے بھی کر سکتے ہیں, بٹ یہ ہے نا کہ آپ یا تو پھر آپ یہ لسٹ آپ کلیکٹ کر لو, نیکسٹ ٹائم میں سب یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ تو ایک لائن ایسے ان پلگ گا دیجیے, پھر اگلی بار یہ لسٹ بنا لیں گے ہم, پھر اگلی بار ہریش بھائی بھجن بول رہے تھے تھوڑا سا اس کا میں گا دیتا ہوں جتنا مجھے. ارے واہ کیا بات ہے کیا بات ہے, میلی چادر اوڑھ کے کیسے, میلی چادر اوڑھ کے کیسے دوار تمہارے آؤں, اے پاون پرمیشور میرے من ہی من شرماؤں, میلی چادر اوڑھ کے کیسے دوار تمہارے آؤں, میلی چادر اوڑھ کے کیسے. تو وہی میں نے بولا نا کہ فرمائش ہوگی پراپرلی پریپیئر کر کے آئی کین سنگ, می بی وی کین ہیو اے بھجن. سو سولفل بیوٹیفلی سنگ. آئی نو. اچھا ہریش جی تھینک یو فار ریکویسٹنگ دس, کیونکہ اتنا خوبصورت گایا پردیپ جی نے, کیا بات ہے. تھینک یو. نیکسٹ بھوپندر جی کہتی ہیں ہول فیملی سٹنگ ٹوگیدر ان دہلی اینڈ انجوائنگ یور پروگرام, آسم سنگنگ پردیپ جی. تھینک یو. کیا بات ہے کیا بات ہے, کوشش کرتا ہوں کہ ڈفرینٹ ڈفرینٹ سنگرز کے سانگز گاؤں. تو پہلے پریم پتر کا سانگ تھا, تو یہی پریم پتر پر ہی جو جگجیت سنگھ نے غزل لکھی تھی پہلا خط, تو وہ کوشش کرتا ہوں. پیار کا پہلا خط وقت تو لگتا ہے. ہاں جی. ارے واہ کیا بات ہے کیا بات ہے, چلیے. تھینک یو. پیار کا پہلا خط لکھنے میں وقت تو لگتا ہے, پیار کا پہلا خط لکھنے میں وقت تو لگتا ہے, نئے پرندوں کو اڑنے میں وقت تو لگتا ہے, پیار کا پہلا خط لکھنے میں وقت تو لگتا ہے. ۔
जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी, गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी। लाख करें कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है, लाख करें कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। हमने इलाज जख्म दिल तो ढूंढ लिया, लेकिन हमने इलाज जख्म दिल तो ढूंढ लिया, लेकिन गहरे जख्मों को भरने में वक्त तो लगता है, गहरे जख्मों को भरने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। वाह, थैंक यू, क्या बात है सर, क्या बात है सर, थैंक यू। थैंक यू अनिरुद्ध जी फॉर ज्वाइनिंग। नवीन वालिया जी कह रहे हैं, हम डिनर करते हुए आपके मेलोडीज को एंजॉय कर रहे हैं दिल्ली में। और देविंदर सानी जी का मैं कमेंट जरूर पढ़ना चाह रही, वो कहती हैं कि बहुत सिंपलिसिटी से आप हर गीत को गा रहे हैं, टचेस द सोल। एब्सोल्युटली, बहुत बिल्कुल सही कहा आपने। और तरलोचन तोची जी ने ज्वाइन किया है, थैंक यू तरलोचन जी, जो बहुत फेमस सिंगर हैं, रफ़ी की वॉइस और महेंद्र कपूर जी की वॉइस कहे जाते हैं। सो थैंक यू सो मच तरलोचन तोची जी, बहुत अच्छा गा रहे हैं प्रदीप जी, यू राइट। थैंक यू नवीन वालिया जी, मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, और रेनू अरोड़ा मिसेज, और संजीव वालिया भी मुझे मालूम है कि वो भी सुन रहे होंगे, वो भी आया था ना उनका। यस यस यस, हाँ जी हाँ जी। अरे वाह, क्या बात है, लवली फैमिली सपोर्ट।
सारा परिवार पूरा बैठे है सब बैठे हैं सब एंजॉय कर रहे हैं होपफुली एंजॉय कर रहे हैं हां एंजॉय कर रहे हैं होपफुली दी गाली नहीं है होपफुली पूरा कर रहे हैं देखो करना पड़ा है ते जोक्स अपार्ट effortless singing yes Anand absolutely yes, बहुत अच्छा तभी इतना लाइक लग रहा है ना स्मूथली गा रहे हो हर सिंगर के जो सॉन्ग गा रहे हो ना हर एक आराम से मक्खन कोई टेंशन नहीं कोई वो नहीं कि अच्छा ऐसे लगना चाहिए ऐसे होना चाहिए नथिंग सो अमेजिंग अमेजिंग क्या बात है थैंक यू ब्यूटीफुल तो ये जो म्यूजिक है क्योंकि हम रेगुलर डे टू डे में इतना काम करते हैं राइट हां जी और उस काम में इतने मसरूफ होते हैं उसके बावजूद आप म्यूजिक के लिए टाइम निकालते हैं सो उससे आपको मिलता क्या 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 मिलता है क्या मिलता है बस क्या, देखो क्या मिलता है? आपको थोड़ी सी रूटीन बता देता हूँ मुझे शौक है अपने रिकॉर्ड करके पोस्ट करने का यूट्यूब चैनल पर जी तो जब मैं रिकॉर्डिंग करने जाता हूँ तो जनरली मैं नीचे जाता हूँ सबके साथ पहले तो आके डिनर वगैरह किया जो भी थोड़ी देर बैठे फैमिली के साथ उसके बाद 8-9 बजे मैं नीचे जाता हूँ फिर मैं ऊपर कब आता हूँ 2 बज जाए 3 बज जाए डजंट मेक एनी डिफरेंस ओह वाओ तो टाइम जब मैं नीचे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बस मुझे और कुछ नहीं सोचता बस यही चल रहा होता है तो क्या बात है क्या बात है टेक्स मी अवे फ्रॉम एवरीथिंग सो हां जी That is good. क्योंकि पूरा जो भी दिन भर की थकान या स्ट्रेस या जो भी इश्यूज होते हैं सब आउट ऑफ द माइंड आउट ऑफ साइट डेफिनेटली इट्स ओनली म्यूजिक थेरेप्यूटिक होता है ना म्यूजिक हाँ जी हाँ जी नीचे का मतलब बेसमेंट की सेटिंग की बात कर रहे हैं प्रदीप जी हाँ जी नहीं बेसमेंट में मैंने स्टूडियो सेट किया एक्चुअली क्या था इसके पीछे भी स्टोरी है थोड़ी सी हाँ जी हाँ जी बेसमेंट में पहले ओपन में मैं मेरी सेटअप लाइव सिंगिंग की ओपन सेटअप है और एक उस वहाँ पे मैं अपनी रिकॉर्डिंग भी करता था सिंगिंग भी करता था तो फिर हम तो बोलते हैं ना संगीत के कीड़े हैं हम तो नीचे गए तो शुरू हो गए उसी तरह शाम को रात को 9-10 बजे बस 10 बजे के बाद ऊपर से फिर आवाजें आती थी बंद करो हाँ। बंद करो सोने दो मैंने क्या किया वो नीचे एक क्लोजेट था उसको मैंने अपना स्टूडियो बना लिया तो हाँ। उसमें मैं डबल डोर है एक रूम रूम का डोर है फिर नीचे अंदर स्टूडियो का डोर है वो बंद कर दूं मैं जो मर्जी करता रहूं किसी हाँ। को क्या हो रहा है क्या बात वेरी गुड आई नो रिसोर्सफुल और कितना वो तरीका निकाला ना कि अपना भी काम हो गया किसी को डिस्टरबेंस भी नहीं हुई दैट्स सो ब्यूटीफुल दैट्स वेरी नाइस क्या बात है चलिए व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट ये एक सॉन्ग है मेरे रंग में रंगने वाली ऑफ कोर्स काफी फेमस है ये सॉन्ग तो ये नेक्स्ट ये करते हैं पेश बिल्कुल ठीक प्लीज मैं तो गा ही रही हूँ अभी तक दिमाग में आ गया मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी या हो मेरी प्रेम कहानी मेरे सवालों का जवाब दो दो ना मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी या हो मेरी प्रेम कहानी मेरे सवालों का जवाब दो दो ना Thank you.
बोलो ना क्यों ये चांद सितारे तकते हैं यूं मुखड़े को तुम्हारे। बोलो ना क्यों ये चांद सितारे तकते हैं यूं मुखड़े को तुम्हारे। छूके बदन को हवा क्यों महकी रात भी है क्यों बहती बहकी। मेरे सवालों का जवाब दो ना। शर्माई हुई सी लगती हो कुछ घबराई हुई सी। ओ क्यों हो तुम शर्माई हुई सी लगती हो कुछ घबराई हुई सी। झलका हुआ सा आंचल क्यों है ये मेरे दिल में हलचल क्यों है। मेरे सवालों का जवाब दो ना। थैंक यू। पता नहीं आपने किससे सवाल पूछे हैं कौन जवाब दे रहा है बट यू सैंग ब्यूटीफुली। पता नहीं कहाँ चलेगी। ये बहुत मजे आए और एसपी बालासुब्रमण्यम जी का आपने इस गीत गाया क्या बात है। थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत मजे आ गए तो आपकी फैमिली में और कोई गाता है? हाँ जी गाते हैं बच्चे गाते हैं जब कभी दिल में उनके मूड हो तो गाते हैं। बेटा भी गाता है बेटी भी गाती है। अरे वाह। एक बेटी है वो बहुत अच्छी क्रिटिक है वो गाती कम है बट मेरे सॉन्ग्स उसके फिल्टर से होके तब आगे जाते हैं। एक नंबर ये तो सबसे सही बात है। आई नो ऐसा एक इंसान होता है यूजली फैमिली में। इट इज वेरी गुड। थैंक यू। है ना क्योंकि हर टाइम हम लर्न ही करते रहते तो वो ऐसा इंसान होगा तभी तो और अच्छे से इंप्रूव करेंगे राइट। हां जी हां जी। क्या बात है भाई वाह। थैंक यू टू योर डॉटर स्पेशली बाकी तो है ही है। तो आप जब परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं आपके लोग बुलाते हैं इवेंट्स पे? हाँ जी। तो पूरा लाइक प्लेलिस्ट तैयार करके और जब वहां पे लोग डांस कर रहे होते हैं वो एनर्जी का क्या लाइक यू अंदर घुसती होगी राइट? हाँ बिल्कुल वो तो है एक्चुअली जब ऑडियंस आप गा रहे हो और ऑडियंस डांस कर रही हो उससे ज्यादा एंजॉयमेंट सिंगर को कहीं नहीं मिल सकती। कहीं नहीं मिल सकती। तो that is the best thing that happens you best know, when, feedback when audience are singing and dancing that's just wonderful. Very nice. So aise aapko milte rahe events or performances ab dete rahe. I'm sure like when you perform on stage you're really rocking. Thank you. Ye to audience hi batayenge. of course I enjoy it. That's the main thing. That is the main thing right when you enjoy everyone enjoys right. सही बात है सही बात है। बहुत बढ़िया जी। चलिए अगले गीत की ओर बढ़ते हैं which I don't know which one but yes let's hear it। चलो ये next song जो है वो किशोर का है। किशोर was known for his yodeling तो ये song है तो इसमें देखते हैं yodeling आए। अरे वाह अरे वाह क्या बात है ये versatility yodeling ऐसे ही सर के बाद कल की चाट पापड़ी शायद इधर उधर उभर उभर के आए बट देखते हैं। नहीं नहीं सेट होएगी सेट होएगी। बढ़िया बढ़िया होएगी। श्योर योडलिंग इज नॉट इजी। जी
नखरे वाली नखरे वाली नखरे वाली देखने में देख लो है कैसी भोली भाली अजनबी है छोरियां दिल पे डाले डोरियां अजनबी है छोरियां दिल पे डाले डोरियां मन की काली वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में डिडलिए wow. डिडलिए डिडलिए बेरहम बेवफा अपना कुछ अता पता पता तो दे ओ बेरहम बेकली बेबसी कुछ तो कम हो फिर से मुस्कुरा तो दे ओ बेरहम वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में डिडलिए डुडलुओ डिडलिए डिडलिए डुडलुओ डिडलिए डिडलिए डुडलुओ क्या बात है जबरदस्त योडलिंग जबरदस्त ये तो पूरा सुनना था और भी सुनना था ये सॉन्ग एक्चुअली पर इसमें लाइक और सुनना था इतना मजा आ रहा था ना इसमें बिकॉज different hai aur it's like sabhi nahi ga pate hain and you did so well thank you bahut hi mazedar bahut variety hai aapki singing mein bhi maza aa raha hai bilkul ghazal bhi hai aur nakhre wali bhi hai aur ye tarah ke sab bhajan to hai hi hai oh yeah beautiful to kuch aap naye singers ko bhi gaate hain sir naye singers ko bhi gaate hain aaj list mein main nahi laya but I do sing न्यू सिंगर्स टू किसी दिन नए सिंगर्स के सॉन्ग्स कर लेंगे क्या बात है अरे वाह हमारा तो मौजों हो गए ना प्रोग्राम बनते जा रहे हैं वी आर हैप्पी थैंक यू राजेश जैतका जी थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड ही सेज वेरी गुड योडलिंग कीप इट अप प्रदीप जी यस और सुनील कुमार जी थैंक यू सो मच ही सेज मार्वेलस थैंक यू एवरीबॉडी हां थैंक यू या यस जी Versatility super se bhi upar upar se bhi upar aisa hai bhai wah kya baat hai aur Sanjay ji kya kehte very well sung Sanjeev ji yes bahut badhiya aap log to sunte rehte ho hame to aaj proper mauka mila Pradeep ji ko like live sing sunne ka so we are fortunate Pradeep ji thank you so much thanks bahut badhiya aur time kafi tezi se guzar raha hai I know humne aapko thoda time bhi liya फिर भी चलिए अगला गीत चलो एक और सुना देते हैं नीले नीले अंबर पर ये भी सुनूंगा ठीक बिल्कुल बिल्कुल खूबसूरत गीत थैंक यू ना 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 आई थिंक यही ना यही है अच्छा मैं गलती भी कर देती हूँ कई बारी नहीं नहीं परफेक्ट है नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए ऐसा कोई साथी हो
ऐसा कोई प्रेमी हो प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी हो प्यास दिल के बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए। जब चूमते हैं अंबर को प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को, ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को, प्यार से कसने को बाहों में बसने को दिल मेरा ललचाए कोई तो आ जाए, ऐसा कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी हो प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए। तपती गिरने जब गालों को छू जाए, ठंडे ठंडे झोंके जब पालों को सहलाए, तपती तपती गिरने जब गालों को छू जाए, सांसों की गर्मी को हाथों की नरमी को मेरा मन तरसाए कोई तो छू जाए, ऐसा कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी हो प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए। सतरंगी बरसातों में जब तन भीगा जाए, छम छम करता सावन बूंदों के बाण चलाए, सतरंगी बरसातों में जब तन भीगा जाए, प्यार में नहाने को डूब ही जाने को दिल मेरा तड़पाए ताप जगा जाए, ऐसा कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी हो प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए। ला 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 ला। वाह जी वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब, क्या बात है। तो मैं इस सिंगर्स को आपने ट्रिब्यूट किया, आई नो रफी साहब, शोर साहब, एसपी बाला,
के जगजीत सिंह या जगजीत सिंह जी हाँ. क्विक क्वेश्चन, तो जो आपके आपका जो साथी है आपकी वाइफ, उनके लिए आप कुछ खास गाना गाते हैं, कुछ फेवरेट उनका हो आपका हो उनके लिए? जस्ट चेकिंग. उन वो एक उसके पीछे भी स्टोरी है एक्चुअली, बट उसका फेवरेट जो है तेरे मेरे सपने जो है वो उसका फेवरेट सॉन्ग है. अच्छा वाह, ओके नाइस. स्टोरी भी बता दो इफ यू कैन शेयर, इफ यू वांट टू. अगर आप इंसिस्ट कर रहे हो तो, जब पहली बार उनको देखने गया था तो तब मैंने ये, वो सबको मालूम था कि मैं गाता हूँ, तो उन्होंने बोला सॉन्ग सुनाइए, तो ये सॉन्ग मैंने वहाँ पे सुनाया था. वाओ, मेरे सपने अब एक रंग है, वही गाइड का जो सॉन्ग है. गाइड गाइड गाइड, दो लाइनें तो बनती हैं उसकी ऐसे ही अनप्लग्ड. बिल्कुल बनती है. ऐसे कैसे वो नाराज हो जाएंगी? नहीं नाराज, ये देखो ना, असी उन्होंने सामने बिठाया है, ये देखो. जी. तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहां भी ले जाए राहे हम संग हैं. ओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, ओ जहां भी ले जाए राहे हम संग हैं. ब्यूटीफुल, वाह वाह वाह, क्या दिल से आवाज निकली है सर जी. थैंक यू, बहुत मजे आए. ब्यूटीफुल, आई नो राइट. तो मीता कुछ कह रही थी. मैंने एंड कहा था भी, एंड कोई पंजाबी सॉन्ग से ना करें, इफ पॉसिबल. अगर प्रदीप जी के पास कुछ है प्लग, आई मीन अनप्लग कुछ भी. कुछ ट्रैक्स की प्रॉब्लम होती है मिलने की, पर कौन सा अगर आपके लिए, नहीं आई डोंट वांट टू पुट यू ऑन अ स्पॉट, बट अगर ऐसे मुझे दो लाइन ना, कुछ दो लाइन है, चलो हां. ते होर की विसाखी दा दिहाड़ा, कुछ पंजाबी ते बंदा ही है ताई करके. या चलो, मेरे फादर इन लॉ है, वो रिसेंटली वी लॉस्ट हिम, तो वो मुझसे ये बोल हमेशा बोलते थे, चल वो गाना मुझे सुना, तो मैं ये चलो दो लाइनें आपको सुना देता हूं. वो गाना सुना, फेवरेट था उनको, बहुत पसंद था. जी सुनाओ. काली तेरी गोत ते परांदा तेरा लाल नी, काली तेरी गोत ते परांदा तेरा लाल नी, रूप दी ए रानी ए परांदे नु संभालनी. काली तेरी गोत ते परांदा तेरा लाल नी. ओह वेरी नाइस. That is beautiful song and beautifully emotionally sung. Thank you, thank you, thank you so much, Pradeep ji. It was an honor for you to be on Desi Goonj. बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत अच्छा आप गाते हैं और इसी तरह जुड़ते रहें हमेशा संगीत के साथ, लोगों को खुशियाँ देते रहें और डांस भी कराते रहें, इमोशनल भी कराते रहें. मुझे भी बहुत अच्छा लगा. I feel privileged to be at the show. Once again, I want to thank Misha ji, जिन्होंने मुझे introduce करवाया आपसे. तो and many thanks to the audience for the good comments and everything. Yes, thank you so much, everyone. Manjeet Viji is joining from Houston. Thank you, ji. Thank you, Viji. Yeah, very fitting on a Vaisakhi day. There we go. So yeah, thank you Pradeep ji, और again we wish you the best, और फिर definitely जल्दी मुलाकात होती है आपसे देसी गूंज पर. हाँ जी, thank you, thank you. और keep rocking. ठीक. Thank you so much, thank you very much, appreciate you. Thank you. Thank you, thank you Renu ji, आपका family के support के बिना तो क्या ही होता है. I know, सही बात. Thank you Renu ji for being there. We are feeling your presence and really lovely to have you here. And thank you, Prabdyal ji. Yeah, Dawal ji. Ooh, wow, beautiful singing Pradeep ji ki. To bahut hi khoobsurat gaate hain wo. Har tarah ke geet unhone gaaye aur har tarah ke geet ke sath. He did full justice actually. I know. That's the main thing. So everything connected with us. So thanks to Pradeep ji. Thank you, Amisha ji, for connecting us, Amita ji with Pradeep and Pradeep ji with Desi Goonj. I know. तो या सभी का शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़े हैं, और अगले शो जो हम करने वाले हैं उसमें भी प्लीज
आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जरूर जुड़े इसी तरह देसी गूंज को, हमारे आर्टिस्ट को आप सपोर्ट करें। अच्छा लगता है जब लोग जुड़ते हैं, कमेंट करते हैं और यू नो दे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलती है, एनकरेजमेंट मिलती है। सो नेक्स्ट सैटरडे जो है अप्रैल 20th को वी आर ब्रिंग यू अनदर आर्टिस्ट नुपुर घोष। शी इज अ मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट, शी इज अ प्रोफेशनल डांसर एंड शी इज अ प्रोफेशनल पेंटर। वो हैंडमेड ज्वेलरी भी बनाती हैं और फिर बच्चों को पढ़ाती भी हैं। So you're going to see different aspects and different skills what she has. Kuch wo demo bhi dengi, like painting ka, thoda sa dance ka. You will really enjoy the show. Aur unki jewelry ki aap samples dekh payenge. And you know, it's going to be a rocking show again. Again. Different hai because it's not singing, but there's so many different talents Nupur has. I know. So again. Toh ye sare shows हम लेकर आते हैं, सब आर्टिस्ट आपके सामने लेकर आते हैं, जो देसी गूंज को हम आपको बार बार सब्सक्राइब करने को कहते हैं। ये सब आर्टिस्ट को लाने का मकसद ये होता है कि एक तो हम एक अपनी फ्रेटर्निटी को मजबूत करते हैं, yes. अपनी जो पूरी आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी है उसको हम एक दूसरे के साथ, क्योंकि हमेशा जैसे कि हम पता ही है कि वी आर ऑल वन, तो हम अगर इकट्ठे रहना है तो इकट्ठे दिखना भी है, आना भी है। दूसरी बात ये होती है कि कब किसकी किस आर्ट फॉर्म से कौन इंस्पायर हो जाए, मोटिवेट भी हो जाए और आगे वो उस चीज को परस्यू करे। क्योंकि हम मुझे अक्सर लोग बताते हैं कि आपके देसी गूंज पे आए थे ना तो हमें आइडिया आया हम ऐसे कर सकते हैं। करेक्ट। तो इट इज सच अ प्रिविलेज, इट इज सच एन ऑनर। तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए और प्रमोट करते रहिए एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ शेयर करते रहिए लिंक। बहुत मजा आता है जब ज्यादा से ज्यादा लोग होते हैं। तो अब ये मंजीत जी का एक बहुत लंबा सा कमेंट है, मैं पढ़ देती हूँ। Oh, nice, of course. So happy Vaisakhi, happy Vaisakhi, happy Vaisakhi, no matter how we say it, how we wish each other, good wishes are true blessing. And it also extends an opportunity to self-reflect, self-assess and self-reconcile. Love self and love all. Wow. It fosters humility and strengthens all bonds. More connected we are, more one we become with each other and with the one. As I just now mentioned, we are all one and we just want to be with the one. The eventual goal for humanity to survive and thrive comes closer to fruition. Thank you so much. Thank you. Thank you so much for this beautiful message. Manjeet Viji is, you know, so good with the kids, with elders, with old people, everybody. And he's such a good teacher too. बहुत लोगों को उन्होंने पढ़ाया है कॉलेज में and he's tremendous. उनसे आप बात करें, he's such a humble person. So thank you very much, जी. The message shows, इतना जबरदस्त उनका मैसेज है. सही गाल है, सही गाल. So everyone, if you have any question for us, या if you want us to bring you on Desi Goonji, आपका कोई near and dear में है who is artist in some shape or form, please contact us at desigunjlive@gmail.com. So once again, next Saturday, April 20th, same time, 10 a.m. Eastern, 7:30 p.m. Indian, we will bring you a lovely artist, Nupur Ghosh. Or till then, milte hain, zarur join kijiye. Till then, stay safe, stay happy, stay healthy. Rab rakha. Bye-bye. God bless all. God bless all.